प्लानिंग का ये आपका मॉडल। अच्छा आप इसमें एक काम हम ये कर लें कि इसमें जो स्टैटिस्टिकल जो हमारा स्टैटिकल रिग्रेशन है उसका जो है मॉडल क्या है 0.091। ठीक है, अब हम काम ये कर रहे हैं कि इनमें से जो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है उनको जरा रिमूव कर दें। कौन कौन से हैं देखें, ए एम ए वन है, ठीक है, और कौन सा है ए आर फोर और ए आर फाइव, ठीक है, ए आर फोर फाइव और एम ए फाइव जी वो 0.03 है सर। ए आर सेवन ए आर वन तो जीरो है भाई, क्या होते हैं ए आर सेवन, ए आर सेवन ठीक है। यानी हम बेसिकली कह रहे हैं एम ए वन ठीक है ए आर सेवन और कौन सा फोर और फाइव, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि ये मॉडल क्या बनता है ये, ठीक है। अब इसमें देख लें कि जो एरर है वो कितना आ रहा है 0.091861। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉडल ठीक है, इसकी जरूरत हमें नहीं। समझ आ गई सर? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मॉडल जो हमने पहले एस्टिमेट किया था वो क्या था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक और वो 3 तक वही ठीक है, आप एक्चुअल वही मॉडल रह गए। ए आर फोर ए आर फाइव बात समझ आ गई हमने क्यों किया ये काम। यार जो कोई भी काम करे उसकी कोई ना कोई प्रॉपर हमारे पास रीजनिंग होनी चाहिए कि ये हमने काम किया है इसकी वजह ये थी। तो ये मॉडल आपके पास, ठीक है, ये मॉडल है, इसको हमने कह दिया, इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन वन से, ठीक हो गई बात। अब इसके बाद का स्टेप क्या था हमारा कि हम बेसिकली फोरकास्ट करेंगे किसको Lx को। आपने फोरकास्ट किया दो स्टेप्स के रेफरेंस में, हम कर रहे हैं क्या था 18 और 0 4 19 04 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई, सिंपली क्या करना है एंटी लॉग लेना है और कोई कार्रवाई नहीं है।
वही क्लिक कर दे सर ऊपर होम पे। और इसको हमने ड्रैग कर दिया, ये हमारी जैसे कि फोरकास्टिंग है फॉर 6 मंथ है नेक्स्ट। ठीक हो गई बात क्लियर। दूसरी को एग्जांपल करने की जरूरत है जिसमें हम डीएक्स को करते हैं फोरकास्ट, जरूरत है या नहीं है? नहीं है तो ये तो आप ठीक हो गया। अच्छा अब जो नेक्स्ट आपने किया था ये चैप्टर कौन सा था? 4 था 5 था 6 था।